भी फिटनेस की गाड़ियां जो जिनको फिटनेस एक्सपायर हुई है, आपने देखा बदकिस्मती से पीछे डोडा में एक एक्सीडेंट हुआ, हालांकि वो ऐसा केस नहीं था, बट उस केस के बाद हमने जो कि हमारी रूटीन का भी काम होता है कि जिस गाड़ी का फिटनेस परमिट नहीं है उसको हम ब्लैक लिस्ट करते हैं, वो रोड वर्दी नहीं होती है। तो उसके बाद हमने तकरीबन तमाम गाड़ियां जो फिटनेस जिनकी एक्सपायर हो चुकी है या परमिट एक्सपायर हो चुका है उनको हमने ब्लैक लिस्ट किया है। उसके बावजूद भी, ब्लैक लिस्ट करने के बावजूद भी अगर कोई ड्राइवर अपनी गाड़ी लेके रोड पे आ जाता है, ठीक है, वो इज़ लायबल फॉर पनिशमेंट। उसके लिए हमारे जो ट्रैफिक का जो अमला है, ट्रैफिक पुलिस का, और हमारे भी जो लोग हैं हर दिन रोड पे रहते हैं, हमारा थोड़ा कम है मैन पावर ट्रैफिक के मुकाबले में, तो उनको बाज़ाब्ता जुर्मान और कन्फेस्केट वो गाड़ी की जाती है। ते हैं आपके जो एग्रीगेटर यहाँ आ गए, यहाँ तकरीबन 5-6 एग्रीगेटर सर्विसेज ने रजिस्ट्रेशन किया, इंक्लूडिंग आपका ओला जो है, उबर जो नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, यहाँ के लोकल ब्रांड्स हैं, आला कैब्स हैं, नोवा कैब्स हैं, जुगनू कैब्स हैं, इन सब ने रजिस्ट्रेशन ली है। इनके साथ प्राइवेट गाड़ियाँ का प्रोविज़न है, ठीक है, लेकिन उन गाड़ियों को इन एग्रीगेटर्स की तरफ से एक ड्राइवर का 5-5 लाख का इंश्योरेंस भी करना है, ठीक है, उनके लिए परमिट नहीं चाहिए, उनके लिए जो सिक्योरिटी रखी गई है।